तो इस वीडियो में अपन यहाँ पर जीटा फंक्शन की वैल्यू 4 पर इवेल्युएट करेंगे जब एस इज इक्वल टू 4 हो। तो उससे जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी, 1 + 1 / 2 की पावर 4 + 1 / 3 की पावर 4 + 1 / 4 की पावर 4। और इसका सम यहाँ पर अपन को प्रूव करना है कि π/4/9 भी होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो साइन थीटा है तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 − θ² / π² / 1 − θ² / 2² π² और इस तरीके से जो अगली टर्म आएगी 1 − θ² / 3² π² इस तरीके से चलता जाएगा। और अपन को ये भी पता है कि जो साइन थीटा है उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा -θ³/3 + θ^5/5 − θ^7/7 एंड सो ऑन। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा θ − θ³/3 + θ^5/5 एंड ये, एंड इधर अपने पास क्या था, θ·1 − θ² / π² एंड 1 − θ² / 2² π² एंड 1 − θ² / 3² π² एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इधर से अगर अपन थीटा कॉमन ले लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ वो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 − θ² / 3² + θ^5/5 एंड इधर 1 − θ² / 1 − θ² / 2² π² एंड सो ऑन। इस तरीके से बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ यहाँ पर लॉग लेते हैं, तो अगर दोनों तरफ लॉगरिथम ले तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 − θ² / π² + log ऑफ 1 − θ² / 2² π² एंड इस तरीके से ये इधर तो चलता रहेगा, और इधर यहाँ पर ये लॉग ऑफ 1 − θ² / 3² + θ^5 यहाँ पर ये 4 आएगा क्योंकि एक थीटा अपन ने कॉमन ले लिया था, तो इधर ये 4 ही बचेगा, तो θ·4/5 इस तरीके से आ जाएगा एंड सो। और अब अपन को पता है कि जो लॉग ऑफ 1 − x का एक्सपेंशन क्या होता है, −x·2 − x³/3 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर अपन ये जो सारी टर्म्स है इसका एक्सपेंड करते हैं, तो जैसे फर्स्ट वाली का करें तो वो उसमें क्या बनेगा, यानी लॉग ऑफ 1 − θ² / π² का एक्सपेंशन करें तो यहाँ पर आएगा, अगर माइनस के साइन को बाहर निकाल लें तो यहाँ पर ये θ² π² + θ·4/π² और 2 भी है मल्टीप्लाई में, ये θ·6/π² यहाँ पे 3 भी है, इस तरीके से आएगा। जो सेकंड टर्म है वहाँ पे है लॉग ऑफ 1 − θ² / 2² π² तो यहाँ पे भी माइनस का साइन निकाल ले तो ये फर्स्ट टर्म में तो यही आ जाएगा x, फिर x² करेंगे तो यहाँ पे θ·4/π² एंड यहाँ पे 2 की पावर 4 के साथ ये भी 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वहां पर ये θ·6/π² एंड यहाँ पर ये क्या बनेगा, 2 की पावर 6 होगा इसके साथ, 2 की पावर 6 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे 2 की पावर 6 एंड ये यहाँ पे 3 और आ जाएगा। तो इस तरीके से आ रहा है, और तो ये इसमें ये आया। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं θ·4 का कोफिशियंट देखूँ इधर, तो यहाँ से जितने भी टर्म है उसमें से θ·4 का कोफिशियंट कलेक्ट करूँ, तो ये θ·4 को कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उससे जो कोफिशियंट आया वो 1/2 एंड ये π·4, इधर से जो कोफिशियंट आया वो 2 की पावर 5 आ रहा है, 2 की पावर 5 एंड ये π·4। वैसे ही जैसे log ऑफ 1 माइनस
यहाँ पे थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका अगर अपन एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड प्लस थीटा की पावर 4 एंड यहाँ पे 3 की पावर 4 पाई की पावर 4 एंड 2 आएगा। तो बेसिकली वापस वो कोफिशियंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर, इस तरीके से कोफिशियंट आ रहा है। तो ये सारे कोफिशियंट चलेंगे और इधर एक माइनस का साइन आएगा सबके आगे, तुम यहाँ पे देख ही रहे हो। तो अगर ये अपन ने यहाँ पे कोफिशियंट ले लिए थीटा की पावर 4 के, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे पाई की पावर 4 को बाहर निकाल सकता हूँ और एक 2 को भी यहाँ पे बाहर निकाल सकता हूँ और ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4। 1 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 3 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, जो अपन को सीरीज चाहिए थी वो बन जाएगी। और इसको अब अगर अपन इक्वेट करें, जैसे यहाँ पे अपन ने ये करा था, तो इसमें भी अपन लॉग लेने के बाद ये किस तरीके से बनेगा, लॉग ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। एंड जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें यहाँ पे थीटा के पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल है इस तरीके से। तो ये इस तरीके की टर्म आ रही है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं माइनस का साइन बाहर ले लूँ, तो ये इसको मैं थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस थीटा के पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख सकता हूँ। और वही लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का अगर अपन एक्सपेंशन लगा दें इसको पूरा एक्स कंसिडर करते हुए, तो सबसे पहली टर्म तो यही आ जाएगी, -θ की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। एंड उसके बाद यहाँ पर एक माइनस का साइन तो है ही, एंड माइनस का x² बाई 2 आएगा, तो माइनस का इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इसके बाकी की टर्म में देखोगे तो वहां पे फिर यहाँ पे जैसे पावर जैसी 3 होगी तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगी, लेकिन अपन को सिर्फ 4 पावर का कोफिशियंट चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही कोफिशियंट मिलेंगे, एक तो 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मिलेगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इधर से अगर अपन देखेंगे तो माइनस का यहाँ पर ये जो है ये 3 फैक्टोरियल का बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर हाफ भी है मल्टीप्लाई में अगर तुम देखोगे तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये 1 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 एंड ये 72 आएगा। तो ये अगर अपन चेक करें तो ये इतना आ रहा है अपने पास, यहाँ थीटा की पावर 4 का कोफिशियंट। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर ये इस चीज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स पाई बाय 4 एंड यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इस तरीके से ये इक्वल हो गया थीटा की पावर 4 एंड यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 72। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इस तरीके से आएगा, ये 72 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 एंड ये 72, और इधर ये पाई की पावर 4 मल्टीप्लाई में 2 एंड एक माइनस का साइन हो रहा है यहाँ पर इसका। तो ये यहाँ पर अपने पास 48 डिवाइडेड बाय 120 एंड ये 72 एंड ये π की पावर 4 डिवाइड एंड ये मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे तो 2/3 आएगा, एंड यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करें तो ये 30 टाइम आएगा, तो ये एक्चुअली में π की पावर 4 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है जो अपन को प्रूव करना था, तो इस तरीके से इसको कर सकता है। होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।